पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी और नान की कीमत में कमी। नानबाई एसोसिएशन ने कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया है। तो आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी और नान की कीमत में कमी की गई है, जबकि नानबाई एसोसिएशन की जानिब से कीमतों में कमी को मुस्तरद किया गया है और कहा जा रहा है कि आटा और गैस महंगा, रोटी सस्ती नामुमकिन है। गैस की कीमतें आसमान पर हैं, रोटी 16 की देना हमारे लिए नामुमकिन है, ये कहना है सदर नानबाई एसोसिएशन का। इस मामले पर मजीद बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, इंतजामिया की जानब से रोटी की कीमत 16 रुपये और इसके अलावा नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई थी और इस पर नानबाई एसोसिएशन की जानब से तहफात का इजहार किया गया है और इस कीमत को मुस्तरद कर दिया गया है। इस वक्त हम रहमानपुरा के इलाके में मौजूद हैं, जहां नानबाई एसोसिएशन के मरकजी अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आफ्ताब भाई, जो कीमतें मुतय्यन की हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, आप लोगों को उस पर क्या तहफात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ आवरी का। असल में बात यह है कि गवर्नमेंट में जो एक तो खुद साख्ता कीमतें तय की है जी, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया, किसी एसोसिएशन के साथ कोई मशावरत नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नान की बात करते हैं तो नान तो 10,500 रुपये की जब बोरी थी 80 केजी की, मोहम्मद अली साहब डीसी लाहौर थे उस वक्त, हमें 30 रुपये का नान उस वक्त से हम बेच रहे हैं 30 रुपये का। फाइन की बात करूँ, आटे और फाइन में फ़र्क है। अब आटा तो सस्ता हुआ है इसलिए रोटी की कीमत कम की गई है। मैं आटे पर आता हूँ भैया, फाइन से नान बनता है, ठीक है, फाइन मैदा, फाइन आटा नहीं, फाइन मैदा। अगर गवर्नमेंट नहीं इस चीज़ से मानती आप लोग, तो फिर क्या लायमा लगेगा? शटर डाउन में जाएंगे या रोटी को हमें बंद करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आप इन कायदीन की गुफ्तगू सुन रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आटे और मैदे के अलावा जो दीगर अशिया जिसमें कुदरती गैस के अलावा LPG का इस्तेमाल करते हैं और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो रोटी की कीमत मौजूदा है इस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। और इन कायदीन का वफ जो है वो आज इस हवाले से DC लाहौर से भी मुलाकात करेगा और इसकी कीमत के हवाले से मामला तय किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली, साथ थे, आगाह कर रहे थे। इसी हवाले से आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब ने रोटी नान की कीमत कम करने का ऐलान किया। शहर में रोटी और नान की कीमत कम नहीं हो सकी, नान 25 रुपए जबकि रोटी की 20 रुपए में फरोख जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रोटी सस्ती करने का ऐलान नहीं, अमल दरामद कराए। आटे की क्वालिटी और रोटी का वजन कम है लेकिन कीमत 20 रुपए ही वसूल की जा रही है, ये कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से। तो ऐलान तो कर दिया गया लेकिन इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो पा रहा है, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी सईद, गुज़श्ता रात CM पंजाब ने एक ऐलान किया कि शहर के अंदर आटा सस्ता होने की वजह से पंजाब भर के अंदर जो रोटी और नान की कीमत में कमी की गई है और DC लाहौर को यह हदायत की गई कि वो इसके ऊपर फौर अमल दरामद करवाएं, लेकिन ज़िली इंतजामिया जो है वो CM पंजाब हैं, पंजाब के फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है वो दिखाई दे रही है। शहर के बेशतर जो नान बाई हैं उनकी तरफ से जो कीमतों में कमी का ऐलान हुआ था उसके ऊपर फैसले पर अमल दरामद करने से इनकार है वो कर दिया है। इस वक्त गरी शाह के इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर धरले के साथ रोटी है वो 20 रुपये की जबकि नान है वो 25 रुपये का फोख्त किया जा रहा है। शहरी है वो शिफा करते दिखाई देते हैं कि रोटी की कीमत तो वो 20 रुपये ही है लेकिन उसकी क्वालिटी और वजन है वो कम है। कुछ शहरी मौजूद इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, गुज़श्ता रात जो ऐलान हुआ नोटिफिकेशन भी आ गया तो क्या 25 रुपए का की बजाय 20 नान और 16 रुपए की रोटी मुयस्सर है आपको? नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं है, अभी तक नहीं दे रहे कि हम ये दुकान पे ही खड़े हैं अभी और लिया, इन भाइयों ने भी ली है, हमने भी ली थी, वही पहला वाला रेट ले रहे हैं सस्ता है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 25 का दे रहे हैं वो, अपना नान दे रहे हैं और 20 की रोटी दे रहे हैं, 16 की रोटी इन्होंने अभी तक नहीं की। जी सर, आप बताएं आपने अभी क्या चीज़ यहाँ से ली है और कितने रुपये का आपको ये चीज़ मिली है? अभी 25 रुपये का इन्होंने नान दिया हमें और हमने मुतालबा किया कि वो 20 का रात को और उन हुकूमत ने ऐलान किया, वो कहते हैं हुकूमत जाने आप जाने उनको 25 का बेचे, 25 का दिया इन्होंने नान आपके सामने मैं खड़ा हूँ और 20 की रोटी दे रहे हैं। हमारे साथ ही बसाम सुल्तान भी हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। बसाम, बताइएगा
कि नान और रोटी की नई कीमत का इतलाक क्या कर दिया गया है? इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने बरकत मार्केट में भी कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई की है शहर भर में, इस हवाले से क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, रात गए जो है वो वजीर आला की हदायत के ऊपर जो है वो डीसी लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन किया गया, जिसके अंदर रोटी की कीमत लाहौर के अंदर जो है वो 16 रुपए रखी गई है, जबकि नान की कीमत जो है वो 20 रुपए मुकरर की गई है। आज सुबह से जो बेशतर तंदूर हैं वो इस चीज़ से या तो लाइल में या फिर उनकी जानिब से जो है वो नई कीमतों का इतलाक जो है वो अब तक जो है वो नहीं किया जा सका, जिसके ऊपर जो जिले अफसरान हैं, जो एसी मॉडल टाउन है साहबजादा मोहम्मद यूसुफ, उनकी जानिब से जो है वो क्रैकडाउन भी किया गया। पीको रोड, इसके साथ साथ मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक और अब बरकत मार्केट के अंदर जो है वो दुकानदारों और रेस्टोरेंट ओनर और इसके साथ साथ जो तंदूर मालकान हैं उनके उनको जुर्माने भी जो है वो आयद किए गए हैं, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। जो साहबजादा मोहम्मद यूसुफ है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जरा बता दें कि ये जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, कितने लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कैसा आप अभी ओवरऑल देख रहे हैं कि क्या कीमतों का इतलाक हो गया? जैसा कि आप जानते हैं, जब से ये प्राइस रिड्यूस की गई है रोटी और नान की, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हदायत पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सुबह से फील्ड में हैं और वो फील्ड में जो है नई डायरेक्शंस है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तमाम तंदूर और रेस्टोरेंट्स दीगर जो हैं उन पे विजिट्स किए जा रहे हैं और उनको इंश्योर किया जा रहा है कि जो रेट है 16 रुपए रोटी के लिए और 20 रुपए नान के लिए, इस पे ही आवाम को रोटी दी जाए। जहाँ पे वॉयलेशन आ रही है वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है। सुबह से तहसील मॉडल टाउन में मैंने तकरीबन 20 दुकानें चेक की, जिनमें से 8 या 9 पे वॉयलेशन थी और उस पर जो है हमने तकरीबन 25,000 के फाइन किए और 4 अफराद को अरेस्ट भी किया। सर, ये मजीद हम देखते हैं कि तंदूरों को तो फिर भी रेगुलेट कर लिया जाता है लेकिन रेस्टोरेंट्स जो है वो हमेशा इससे जो है वो इस्तेस्ना उनको रहता है, उसके लिए क्या पॉलिसी आप लोग अपना रहे हैं? देखिए, प्राइस कंट्रोल जो है वो दोनों पे लागू होता है और आपके जहाँ पे रोटी बेची जा रही है वहाँ पे ये होता है। रेस्टोरेंट्स पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कई जगहों पे वो अपना प्रीमियम चार्ज करते हैं, ये हरगज इलीगल है और हमारा आज सुबह से जो क्रैकडाउन लाहौर भर में हो रहा है उसमें रेस्टोरेंट्स को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर टारगेट किया जा रहा है, फिर तंदूरों को किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने एसी मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ की गुफ्तगु सुनी, उनकी जानब से ये बताया जा रहा था कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको मेनली टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हमेशा से उनकी जानब से जो है वो ओवरचार्जिंग का सिलसिला जारी रहता है, प्रीमियम के नाम पर जो है वो इजाफी कीमत बटोरी जाती है, तो इसी के पेश नज़र रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो यहाँ पर तंदूर हैं उनको भी चेक किया जा रहा है और अब तक जो है वो तकरीबन 25,000 रुपये तक के जुर्माने भी आयद किए जा चुके हैं और 4 अफराद तहसील मॉडल टाउन से जो है वो गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान हमारे साथ थे तफसीलन आगाह कर रहे। अहमद सईद हमारे साथ थे, अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया। लाहौर में पर्पल लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा, पंजाब हुकूमत का मंसूबे की दोबारा फिजिबिलिटी स्टडी कराने का फैसला, मंसूबे की लागत बारे दोबारा से तखमीना लगाया जाए। जराए का ऐसा कहना है कि महंगाई और मटेरियल के मौजूदा रेट्स पर दोबारा से कीमत का तायुन किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि 6 से 9 माह में मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी और लागत तखमीना की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। अली रामे से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, लाहौर में पर्लाइन ट्रेन मेट्रो ट्रेन मंसूबा जो है इसकी दोबारा से फिजिबिलिटी स्टडी कराने का फैसला किया गया और इस पर महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से बाकायदा पंजाब हुकूमत को ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि 2006 में सबसे पहले जो है वो मैस ट्रांजिट के हवाले से लाहौर के अंदर जो है वो स्टडी की गई थी और उसके बाद पर्पल लाइन और ब्लू लाइन के ऊपर जो है वो 2016 में स्टडी की गई। लेकिन अब जो मौजूदा रेट्स हैं, अब मटेरियल क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो लिहाजा अब मौजूदा रेट्स के मुताबिक इसकी फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो करवानी पड़ेगी, जिसमें लागत का तखमीना जो है उसका दोबारा से जायज़ा लिया जाएगा कि आया अब इस मंसूबे पर लागत कितनी हो सकती है। तो जो पहले स्टडी की गई थी उसमें बताया गया कि 600 अरब रुपये की लागत से ये मनसूबा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। पर्पल लाइन जो कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भाटी चौक तक मुकम्मल किया जाएगा, जिसकी लेंथ जो है वो 16.7 किलोमीटर बताई जा रही है और इसमें 14 स्टेशन है जिसमें 5 अंडरग्राउंड स्टेशन बताए जा रहे हैं। तो उस पर कंसल्टेंट ने भी यही कहा कि पर्पल लाइन मंसूबा जो है वो सबसे पहले शुरू होना चाहिए, जबकि ब्लू लाइन, क्योंकि पर्पल लाइन के मंसूबे की अशद ज़रूरत है क्योंकि ये ऑरेंज ट्रेन के साथ इसको लिंक किया जाएगा और इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भाटी चौक तक इसका रूट जो है वो होगा और इससे बहुत ज़्यादा एक शहरियों को सहूलत मिलेगी। मेट्रो ट्रेन के तहत जो ऑरेंज ट्रेन के तहत जो है उनको मिल रही है सफरी सहूलियात बेहतरीन थी और इसका इंटरकनेक्टेड जो है वो ठीक है। अली रामे, बहुत शुक्रिया। एलडीए का वजीर आला को 5 साल डेवलपमेंट प्रोग्राम देने का फैसला, शहर के 2 नए दाखिली और खारजी रास्तों के लिए
मेगा प्लान शामिल है। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, ब्लू और पर्पल लाइन का सिविल स्ट्रक्चर भी शामिल है। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे से शहर को नया ट्रैफिक रूट और दाखिली और खारजी रास्ता फराहम किया जाएगा। दुर्नायाब से मजीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से। दुर्नायाब, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, LDA ने 5 साल लाहौर शहर की तरक्की का मनसूबा तैयार कर लिया और इस हवाले से 5 साल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आज वज़ीर-ए-आला को पेश किया जाएगा और इस हवाले से LDA हुकाम ने कई दिनों की मेहनत के बाद ये 5 साल एक विजन दिया है कि 5 साल की हुकूमत के दौरान क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाहौर शहर के लिए और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें टॉप पे लाहौर शहर के अंदर 2 नए दाखिली और खारजी रास्ते बनाना है, जिसमें अगर बात की जाए तो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबा उसको शुरू करने की बहुत ज़्यादा जो LDA ने तजवीज़ दी है और ज़ोर दे रही है कि इसको शुरू किया जाए। इसके साथ साथ जो दूसरा मनसूबा है वो साबिक निगरान हुकूमत के दौर का शॉर्टेस्ट वे टू मोटरवे है। अगर करीम ब्लॉक से खारक और खारक से आगे बाबू साहबों में मोटरवे को कनेक्ट करें, ये शॉर्टेस्ट वे है। इस पर साबिक निगरान हुकूमत तकरीबन 50% काम कर गई थी और उसके बाद बाकी काम होना बाकी है। इसको भी LDA बहुत ज़ोर दे रही है कि इस पर भी काम होना ज़रूरी है। इसके साथ लाहौर शहर के अंदर मज़ीद मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो भी वर्किंग कर ली गई है और उस पर भी 5 साल मनसूबे के तहत काम किया जाएगा। लेकिन लाहौर शहर के 2 जो दाखिली खारजी रास्ते नए बनाने हैं, मुतासर ना हो लाहौर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब ना हो और ये दोनों लाइनों का जो है वो सिविल स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो जाए, इस पर वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है और इस हवाले से ये पूरा जो तखमीना है वो 1200 अरब यानी कि 1 खरब 20 अरब का लगाया गया है, जिस पर काम होगा और हतमी मंजूरी वज़ीर आलम मरीम नवाज़ की। बहुत शुक्रिया दुर्नायाब। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बड़ा इकदाम, सुबह भर में रेंटल या सेल्फ की बजाय कैपिटल वैल्यू पर टैक्स वसूल किया जाएगा। जायदादों की कीमत को मद्देनजर रखकर प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया जाएगा। एडिशनल DG की जानिब से ये भी कहा गया है जायदाद की कीमत का 0.07% टैक्स आयद किया जाएगा। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, हमारे साथ अली साही हैं, वो डिटेल्स बताएंगे। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलियों में बड़ा इजाफा करने का फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो रेंटल या सेल्फ वैल्यू की बजाय कैपिटल वैल्यू पे वसूल करने के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। एडिशनल DG एक्साइज रिजवान शेरवानी की जानब से तमाम डायरेक्टर्स को मरासला भिजवाया गया है कि अपने तमाम जो ETOs हैं उनको डायरेक्शन दी जाए कि कम अज़ कम 500 मिक्स प्रॉपर्टीज़ की एवेल्यूशन की जाए और उनका कैपिटल वैल्यू के मुताबिक सैंपल सर्वे करके रिपोर्ट जो हैं वो DG ऑफिस को भिजवाई जाएँ। उसको मद्देनजर रख कर आइंदा माली साल में जो प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए लाह अमल तैयार किया जा सके। इससे प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में बड़े पैमाने पर इजाफा मतवक्के है। अगर किसी प्रॉपर्टी का टैक्स 100 से 200% इजाफी हो जाता है तो उसको मरहलावार आयद किया जाएगा, एकदम जो मालकान है उन पर आयद नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे 200% से ज्यादा पंजाब एक्साइज रेवेन्यू इकट्ठा होगा। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया।